नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। फटाफट से जानेंगे देश के सभी राज्यों का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम काल कैसा रहेगा, यानी कि कहां पर बारिश होगी और कहां पर आंधी तूफान आने की मौसम विभाग ने भयंकर बारिश चेतावनी जारी की है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, मेघालय और उड़ीसा, इन सभी राज्यों का मौसम काल कैसा रहने वाला है। एक एक करके सभी राज्यों का मौसम काल विस्तार रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो लाल वाला बटन है इसको दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास वाला बेल आइकन है इसको भी जरूर से दबा दीजिएगा। और यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने राज्य, जिले, क्षेत्र या अपने गांव का नाम जहां पर आप रहते हैं कमेंट करके सही से जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सके। तो फटाफट से जानते हैं मौसम काल कैसा रहने वाला है। तो मौसम विभाग ने बताया कि अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत सहित पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर बिहार, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। वहीं बात करें देश भर का मौसमी सिस्टम कैसा बन रहा है, तो मौसम विभाग के अनुसार झारखंड और आसपास के इलाकों में चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जबकि झारखंड से उत्तरी ओडिशा तक एक ट्रफ रेखा भी बनी हुई है। वहीं एक ट्रफ रेखा जो है तेलंगाना से होते हुए आंतरिक तमिलनाडु तक और रायलसीमा से और आंतरिक तमिलनाडु से कर्नाटक तक जो है निचले स्तरों तक जो है फैली हुई है। वहीं पश्चिम विक्षोभ को उत्तरी पाकिस्तान पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र के रूप में भी देखा जा सकता है, जबकि एक प्रेरित हवाओं का क्षेत्र है जो राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों और इससे सटे मध्य पाकिस्तान पर बना हुआ है। जबकि अगले दो दिनों के आसपास जो है दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने की उम्मीद है और अगले दो से तीन दिनों के दौरान ही एक कम दबाव का क्षेत्र भी उसी क्षेत्र में जो है विकसित होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। वहीं बात करें कि बीते 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत का मौसम काल कैसा रहा, यानी कि कहां पर बारिश हुई और कहां पर आंधी तूफान आया, तो मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान सिक्किम में छिटपुट स्थानों के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों और केरल के कुछ हिस्सों में छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश हुई है। वहीं तमिलनाडु में भी एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में और हिमाचल प्रदेश सहित दिल्ली में एक या दो स्थानों पर लू से गंभीर लू की स्थिति भी देखी गई है बीते 24 घंटों के दौरान। वहीं पूरी राजस्थान और झारखंड के भी अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति जो है बनी हुई है। तो दोस्तों, यह था संपूर्ण भारत का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का पूर्वानुमान। अभी आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है और आपके क्षेत्र से है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सके। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।